हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT YouTube चैनल। B.Com फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन का। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके पहले का टॉपिक किए हैं और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके आगे जाने से पहले हमें सेगमेंटेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। सेगमेंटेशन होता है कि हमने कुछ पार्ट से किसी चीज को डिवाइड करना, और जैसे हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं मींस मार्केट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, कुछ उसके सेगमेंट्स बना देना, जिससे हमारे कस्टमर्स के लिए भी इजी हो और हमारे एम्प्लॉय जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, उनके लिए भी इजी हो, या मार्केट जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए इजी हो कि कहाँ पर जाकर उन्हें कौन से टिपिकल या टारगेटेड ऑडियंस है जहाँ पर जाकर उन्होंने रिसर्च करनी है या कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ dividing the entire market population into multiple meaningful segments based on marketing variable like demographics, जैसे हमारे एज या जेंडर वगैरह हो गए, जियोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एक्सेट्रा। इन सब बेसिस पे हम अपने मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एज के अकॉर्डिंगली और हमारे जेंडर के अकॉर्डिंगली, मेल फीमेल के अकॉर्डिंगली हो गया हमारा, जियोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हो गया कि कई जगह पर जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, पहाड़ी इलाकों में जिस चीज की डिमांड है, प्लेन्स में जिस चीजों की डिमांड है, उस अकॉर्डिंगली हमने मार्केट सेट करते हैं अपने। और साइकोग्राफिक्स मीन उनके लाइफस्टाइल या बिहेवियर के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो कौन सी चीजों की जिनके प्रेफरेंस होती है। फिर हमारा है मार्केट सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ होमोजेनियस सेगमेंट्स हैविंग सिमिलर नीड्स, प्रॉपर्टीज एंड डिमांड्स which can be used by a company to sell their product service more effectively। कि हमने उस अकॉर्डिंगली जो हमारे आइडेंटिफाइंग सेगमेंट्स हैं जहाँ पर सिमिलर नीड्स होती हैं लोगों की, कि एक जगह पर इस चीज की डिमांड तो रहेगी, ग्रोसरी की डिमांड है तो वो तो रहेगी, आप किस मर्जी जगह पर जाओ। तो हमारा वो मार्केट सेगमेंट की जहाँ पर लोगों को इजिली अप्रोचेबल हो, जहाँ पर वो आसानी से उसे जाकर ले सकें। तो इस तरीके से हमने उन्हें आइडेंटिफाई करना और होमोजेनियस सेगमेंट्स को लेकर जहाँ पे सिमिलर डिमांड्स हैं, सिमिलर नीड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको लेकर एक कंपनी को जिससे वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, एक एरिया डिसाइड करना है, कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है इसमें हमारा वंस एन एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मार्केट सेगमेंट्स, कंपनी कैन टारगेट देम मोर एक्यूरेटली एंड डिजाइन देयर पोजीशनिंग अकॉर्डिंगली। कि अगर जब हमें मार्केट सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डिवाइड कर देते हैं तो कंपनी के लिए भी इजी होता है कि मुझे इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में इस चीज की डिमांड है और मुझे ये डिमांड इन चीजों की, इन लोगों की पूरी करनी है, और उन्हें पोजीशनिंग करने में भी हेल्पफुल होता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एसटीपी। एसटीपी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग एंड टी फॉर पोजीशनिंग। कि हमने सेगमेंटेशन कर दी, डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, फिर हमने उन टारगेट जो पार्ट्स हैं, जो सेगमेंटेड पार्ट्स हैं, उन्हें टारगेट करना है कि उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, और पोजीशनिंग मीन्स जहाँ पर जिस चीज की नीड है वहां पर वो चीज को अवेल करवाना, वहां पर अवेलेबल करवाना। मार्केट सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट ट्रेड्स इन द बुक्स, विद द कस्टमर पॉपुलेशन एंड preferences becoming more wider and the competitive options becoming more available, market segmentation has become critical in any business or marketing plan। कि जैसे जैसे हमारे लिए सबसे चाहे पुरानी तरीका है मार्केट सेगमेंटेशन का, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारे मॉडर्नाइजेशन आ रही है, वैसे वैसे इसमें हम नई नई चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इनफैक्ट पीपल लॉन्च प्रोडक्ट्स कीपिंग द मार्केट सेगमेंटेशन इन माइंड। कि कुछ लोग, कुछ कंपनीज उन मार्केट सेगमेंट्स को ध्यान में रख के ही चीजों को लॉन्च करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कुछ सेगमेंट में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी ग्रोसरी की शॉप नहीं है, कोई भी मॉल नहीं है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी, आप उसी जगह पर वो चीज को एस्टैब्लिश कराओ, लोगों को अवेल करवाओ उस टारगेट एरिया के लिए कि वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप किसी दूर किसी गाँव में जाकर मॉल्स वगैरह बना दोगे तो आपको ही लॉस होगा, लेकिन अगर आपको ऐसे एरिया में जहाँ पर उसकी सच में, जहाँ पर बिजनेस क्लास है, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है कि लोग अलग अलग जगह पर जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते, उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस चाहिए जहाँ पर वो जाकर अपनी नीडफुल सारी चीजों को खरीद सके, तो वो एक मॉल उन्हें एक ऐसी चीज प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो सारी चीजों को इजिली एक ही जगह जाकर वो अपनी सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं, सारी चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर उन्होंने एंटरटेनमेंट का अपना पोर्शन रखा तो वो भी अपना वो एंटरटेन भी अपनी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से तो वहां पर अगर हम एस्टैब्लिश करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, बिजनेस को उस सेगमेंट में प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम ऐसे एरिया में करेंगे जहाँ पर उसकी कोई नीड नहीं, लोगों को नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, या उन्हें उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि ये चीजें महंगी होगी या बढ़िया नहीं होगी, तो वहां पर अगर हम उस सेगमेंट में अगर हम करेंगे तो हमारा लॉस ही होगा। तो जो हमने मार्केट सेगमेंट में चूज करना है वो भी क्रिटिकल हमारा एक होता है डिसीजन कि हम किस तरीके से कौन सी लोकेशन बेस्ट चूज करें अपने प्रोडक्ट को वहां पर अवेल कराने के लिए। ऐसा कौन सा मार्केट सेगमेंट है जो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा टॉपिक, देयर आर थ्री वेज टू क्लासिफाई व्हाट द कस्टमर वांट्स। हम कस्टमर वांट्स को थ्री वेज में हम अपने क्लासिफाई कर सकते हैं। इट इज नोन एज नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। कुछ होते हैं जिनकी उनकी जरूरतें होती है, वॉन्ट्स मीन जो उन्हें चाहिए होता है या मतलब, और कुछ होते हैं डिमांड्स, कुछ लोगों की कुछ चीजों की वो डिमांड करते हैं, बहुत डिमांड में होती चीजें। ये वर्ड्स चाहे आपको लगेगा इनका मीनिंग सिमिलर ही है, लेकिन इनका अगर हम मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट में लें तो मीनिंग इनका डिफरेंट आएगा। हाउएवर टू डिसाइड द नीड्स, वॉन्ट्स एंड डिमांड्स, यू नीड टू कैरी आउट सेगमेंटेशन फर्स्ट। एंड इन सेगमेंटेशन का फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन व्हिच टाइप ऑफ कस्टमर विल प्रेफर योर प्रोडक्ट्स। कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा, क्यों आपका प्रोडक्ट को लेना चाहेगा। जब हम इस चीज के बारे में आप देख लेते हैं तो उसके बाद आएगा अकॉर्डिंगली द कस्टमर विल फॉर्म योर टारगेटेड सेगमेंट। ये जब आपने डिटरमिन कर लिया कि हाँ इस टाइप का कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को जो डिमांड करेगा, प्रेफर करेगा, यूज करेगा, तो वो आपका टारगेटेड सेगमेंट बन जाता है। हु वुड वांट योर प्रोडक्ट एंड वेदर इट फॉल्स इन द नीड सेगमेंट। कि पहले तो हमारा अब वो हमने वो देखा है वो प्रोडक्ट कौन सा, हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसे नीड है, लेकिन उसकी नीड्स क्या है उन चीजों को आइडेंटिफाई करना कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, वो आपके जो नीड सेगमेंट है उसके लिए फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। द वॉन्ट सेगमेंट और द डिमांड सेगमेंट, इस तरीके से उसे जो प्रोडक्ट को चाहिए आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ कस्टमर ये है इसलिए नीडफुल है, लेकिन उसकी नीड है किस कैटेगरी में आती है, नीड सेगमेंट में आती है, वॉन्ट में आती है या डिमांड में आती है। इस तरीके से उसे हम उसे प्रॉपरली डिवाइड करते हैं। वंस यू डिसाइड द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू मेक, देन यू डिसाइड ऑन द मार्केट सेगमेंटेशन। कि सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, वो कौन से सेगमेंट में आएगा कि नीड, वॉन्ट एंड डिजायर, डिमांड में आएगा। उसके बाद अपने मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं कि हम आगे कैसे करेंगे उसे। फिर इसकी बात हम इसकी कर रहे हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। कि सबसे इजीली हमने मार्केट को भी समझा लिया और मार्केट की डेफिनेशन भी आ जाएगी इसके अंदर। सेगमेंटेशन इंप्रूव्स कंपनीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई कस्टमर्स डू और डू नॉट बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स। कि मार्केटिंग का हमारा मेन एम क्या होता है, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फुलफिल करना। कि अगर आप मार्केट सेगमेंट उस तरीके से बना रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, जो आपने सर्वे किया है उस अकॉर्डिंगली वो करेक्ट है या नहीं है। अगर मार्केट सेगमेंटेशन तभी पॉसिबल है जब आपने प्रॉपर मार्केटिंग उसकी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग सर्वे किया होगा। सर्वे करने के बाद हम मार्केट को उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मार्केटर कैन हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कंज्यूमर्स, ही नोज एडिक्वेटली अबाउट द मार्केट, ही कैन फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मार्केटिंग प्लान मोर सक्सेसफुली। जब उसने मार्केटिंग प्रॉपरली की होगी, सर्वे प्रॉपरली किया होगा, उसे पता होगा कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उसने किस बेसिस पे मार्केट सेगमेंट को डिवाइड किया है, तो उस बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग होगी कस्टमर्स को चाहिए क्या है और मैं वो चीज वहां पर अवेल करवा रहा हूँ। तो यानी मेरी डिमांड भी इंक्रीज होगी, सेल्स भी इंक्रीज होगी और साथ के साथ कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है इसके अंदर मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो हमने ऊपर बात की वही है कि कस्टमर्स को भी ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि मार्केटिंग में अगर हम सिर्फ अकेला अपना सेल्स मोटिव नहीं रखते, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर भी ध्यान देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, कितना वो सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट को यूज करके। तो मार्केटर कैन कैटर नीड्स ऑफ कस्टमर्स मोर इफेक्टिवली। कि जब उन्हें पता होगा कि मैंने इस अकॉर्डिंगली सेगमेंट को डिवाइड किया है, इस अकॉर्डिंगली प्रॉपर सर्वे किया है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया है, तो उसे वो इजीली कस्टमर्स की नीड्स को, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को वो अचीव कर पाएगा। मार्केट सेगमेंटेशन इज रेलिवेंट टू द मॉडर्न मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। इट इंश्योर्स बोथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स एंड मैक्सिमम सेल्स टू द कंपनी। कि इससे हमें दोनों बेनिफिट होते हैं, ड्यूल बेनिफिट होता है कि कस्टमर्स को भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। प्रॉपर मार्केटिंग से ये दोनों चीजें अचीव हो जाती है हमारी। मैक्सिमम कंज्यूमर satisfaction is a master key to solve any problem. Marketer can cater needs of customers more effectively. Customers can have products as per their needs. They can get better products or services at lower cost. कि उन्हें जब हमने टारगेटेड मार्केट्स कर ली है, अपने सेगमेंट्स में डिवाइड कर ली है कि इस सेगमेंट में इस तरीके के कस्टमर्स आएंगे, उनकी डिमांड्स इस तरीके की होंगी, उन्हें इस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, इस प्राइसेस में चाहिए. जब हम प्रॉपर सर्वे करके अपनी कोई चीज वहां पर लॉन्च करेंगे तो हमें तो बेनिफिट होगा ही कि हम उसमें उन चीजों को अवेल करवा रहे हैं जहाँ पर उसकी स्कार्सिटी है और या फिर जहाँ पर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है. और कस्टमर्स को इससे बेनिफिट होगा, उन्हें सेटिस्फेक्शन इसलिए होगी कि जो चीज चाहते थे वो उन्हें लोअर प्राइस में मिल रही है और उनके पास में मिल रही है, उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है. इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि मार्केट सेगमेंटेशन के कारण हम इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाएंगे जिससे हम मतलब अपने मार्केट को और इफेक्टिवली, अपने प्रोडक्ट को और इफेक्टिवली लॉन्च कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे. Market segmentation provides an opportunity to understand needs and wants of different segments of the market. कि हम जितने भी different segments हैं, सबकी हम needs को identify करते हैं, सबकी desires को identify करते हैं. उस accordingly, उस segment के accordingly जब हम अपनी चीज को करते हैं तो हमारी market की strategy भी बहुत effective way में आती है कि जहाँ पर need है, वहाँ पर ही जा रही है, हमें कोई loss नहीं हो रहा है. This can help in formulating marketing mix program more meaningful. Company can gain a maximum market response. कि जब उन्हें पता है कि जहाँ पर जिस चीज की डिमांड है वहीं पर चीज जा रही है तो जो रिस्पॉन्स है वो और अच्छा आएगा. हमें ये पता होगा कि यहाँ पर नीड है इसलिए हमने ये किया है. अगर हम किसी यूजलेस जगह पर जहाँ पर उसकी डिमांड ही नहीं है, नीड ही नहीं है, वहां पर लॉन्च करते हैं तो हमें लॉस होता है. इसलिए हमने मार्केट सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ताकि हम उस सेगमेंट में उस चीज को लेकर आए जहाँ पर उसकी डिमांड है, जिससे हमें प्रॉपर मार्केटिंग रिस्पांस मिले, कस्टमर्स को भी सेटिस्फेक्शन मिले और हमारे सेल्स भी इंक्रीज हो सके, जिससे हमारा प्रॉफिट ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एसेंस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, कि ये मार्केट सेगमेंटेशन मॉडर्न मार्केटिंग के लिए भी बहुत जरूरी है, एसेंशियल है. मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी फिट्स विद मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी. If the marketer wants to satisfy his valued customers, market segmentation is the only option. It is an essential condition for successful modern marketing practice. कि जब हमारे अगर मॉडर्न मार्केटिंग की बात करें जहाँ पे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो उसमें भी मार्केट सेगमेंटेशन प्रॉपरली फिट है. उसके लिए बहुत एसेंशियल है कि हमने प्रॉपर सर्वे किया है कि कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग हम चीज को वहाँ पर अवेल कर रहे हैं. नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आ रहा है हमारा इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, कि इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी क्योंकि जहाँ पर जिस चीज की डिमांड है वहाँ पर ही सेल हो रही है उस चीज की, वो भी एक्सेस में, तो हमारे सेल्स इंक्रीज होंगे तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा उसके अंदर. और हमारे जो फीचर्स है कंपनी के, हमारे जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि हम जो अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूज कर पाएंगे कि जहाँ पर उनकी, जहाँ पे जिस प्रोडक्ट को उसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पर उस चीज को लेके आ पाएंगे. मार्केट सेगमेंटेशन लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड यूज एग्जैक्टली एज पर मार्केट नीड्स, अवॉइडिंग मिसमैच बिटवीन व्हाट मार्केटर ऑफर्स एंड व्हाट द मार्केट नीड्स. कि मिसमैच नहीं होता कि आप अपने अकॉर्डिंगली कोई चीज नहीं बना रहे, आप सिर्फ कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली ही बना रहे हो. जब आप उनके अकॉर्डिंगली बनाओगे, उनकी नीड्स को फुलफिल करोगे तो वो आपके प्रोडक्ट को जरूर करेंगे यूज अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जिससे उनकी नीड्स तो फुलफिल होंगी ही, साथ में ही आपके भी सेल्स इंक्रीज होंगे और आपके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो पाएगा. नेक्स्ट इसके अंदर है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. इट इज इजी टू डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स more clearly and specifically. Company designed its marketing program for different products and for various groups of buyers. Specialization in production and marketing can offer a lot of benefits to the company. कि हम उस चीज में specialization लेकर आते हैं, हम और उसके अंदर न्यू टेक्निक्स को ऐड करते हैं जिससे हम उस प्रोडक्ट को और इफेक्टिवली और बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर के सामने लेके आ सकते हैं. फिर हमारा इसके अंदर नेक्स्ट है हाई कॉम्पिटिटिवनेस, कि इससे हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो भी हाई लेवल का हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि अगर हर कंपनी इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को टारगेटेड मार्केट में ही लेके आएगी, प्रॉपरली उस सेगमेंट में ही लेके आएगी, तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो हेल्दी कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन अ कंपनी कैन ट्रीट इट्स कस्टमर मोर इफेक्टिवली देन कॉम्पिटिटर्स। It improves competitive strength of the company. Company can respond strongly to the competitor, can prevent the entry of competitors. अगर आपकी कंपनी इस चीज में फोकस्ड है कि आपने सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, नीड्स के अकॉर्डिंगली डिलीवर करना है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे ही चल रहे हो। उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही मिलेगी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे चल रहे हो, उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली। और मार्केट में उसमें कॉम्पिटिटर्स को आने से भी रोकेगी कि जहां पर उसकी नीड ही नहीं है या वो फीचर्स ही अवेलेबल नहीं है जो कस्टमर्स को चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर वो ऑफर कर रहा है तो कोई भी कस्टमर्स वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो आपकी ही कंपनी को प्रेफर करेगा। कंपनी कैन क्रिएट एंड मेंटेन द लॉयल कस्टमर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। कि सेगमेंटेशन से हमें एक और बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर पाएंगे कि लोगों को क्या चाहिए, किन किन चीजों की डिमांड होती है, किस सीजन में किस चीज की डिमांड होती है। इस तरीके से हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें फ्यूचर में भी काम आती है और इन प्रेजेंट में हम अपने प्रोडक्ट में वो चीजें लेके आ सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस लीड्स अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर द कंपनी। सच इन्फॉर्मेशन इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। It is also useful for measuring effectiveness of sales and distribution facilities. इन सब चीजों में भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो वर्क करती है, क्योंकि अगर हम एक बार सर्वे करते हैं तो हमें प्रॉपरली ओवरऑल पता चल जाता है कि किस चीज पे किस चीज की डिमांड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशन विद स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ बायर्स। क्लोज रिलेशन फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स एंड कंपनी। कि प्रॉपर उनका एक क्लोज रिलेशन रहता है और जो उनका इंट्रैक्शन है वो भी प्रॉपरली हो पाता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर एक सेगमेंट में ही जा रहे हो जहां पर उस चीज की डिमांड है। नेक्स्ट है इसके अंदर बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड नेशन। कि इससे हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और साथ में उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा। नेशन को भी बेनिफिट होगा अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। Market segmentation, if taken objectively, can contribute to social welfare and national development. Basically, it is a consumer-oriented philosophy, and it results into a win-win-win approach that is company, society, and nation. इन तीनों की ही वहाँ पर वो तीनों ही जीत रहे हैं। कंपनी भी क्यों उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, सोसाइटी को उन्हें उनकी यूजफुल चीजें मिल रही है, नेशन जो कि वो डेवलप हो रहा है क्योंकि उसके लोग डेवलप हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोग अपनी नीडफुल चीजों को अवेल करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है बेनिफिट्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इन सब चीजों के लिए भी जो मार्केट सेगमेंटेशन है बहुत हेल्पफुल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स कैन फंक्शन ऑन अ लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशन। They can have only the limited manufacturing and marketing capacity. Industries working on a small scale basis can take advantage of market segmentation. कि अगर वो कोई small scale units है, वो भी हमारी market segmentation का benefit ले सकती हैं। कि means वो उसी जगह पर जहाँ पर उन्हें आसानी से labor मिल जाएगा, जहाँ से उन्हें land आसानी से available हो जाएगी, जहाँ पे market near है, वहाँ पर वो अगर अपनी unit को establish करते हैं, तो उन्हें भी cheap labor मिल जाएगा, जिससे उनकी production easily हो पाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काम करने के लिए जगह मिल जाएगी और वो भी अपने सराउंडेड एरियाज में। तो मार्केट सेगमेंटेशन उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बाय कंसंट्रेटिंग ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, दे कैन अफोर्ड प्रोडक्ट्स एंड गेट प्रॉफिटेबल मार्केट इजिली। दे कैन कम्पीट विद लार्जर इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू। तो इससे वो लार्जर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनसे भी इजिली कम्पीट कर पाएंगे। अगर हम बेसिस देखना चाहें तो वैसे तो पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं इंपॉर्टेंस की, लेकिन अगर हम बेसिस देखना चाहें तो हम मार्केट सेगमेंटेशन को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक और बिहेवियर। ये हमने कॉन्सेप्ट पहले कर लिया है स्टार्टिंग में ही कि हम इन चीजों पर अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं। इससे हमारा ओवरऑल हमें प्रॉफिटेबिलिटी में ही हमारा रिजल्ट आता है। तो ये हमारा मार्केट सेगमेंटेशन का टॉपिक खत्म हो गया है। इसके साथ ही हमारी सेकंड यूनिट भी खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस